हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन एंड वेलकम बैक टू टेक प्लस गैजेट डॉट कॉम। जैसे कि आप जानते हैं कि बार्सिलोना स्पेन में MWC 2019 चल रहा है, जिसमें नए नए मोबाइल गैजेट्स टेक्नोलॉजी रिलीज होती है, तो वही सब चल रहा है वहाँ पे। और शाओमी जो है वो पीछे नहीं हट रहा है इसमें, क्योंकि आज जो है थोड़ी देर पहले ही शाओमी का एक प्रोडक्ट इवेंट था, तो उसमें उस इवेंट में उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट उनके लॉन्च किए हैं। जो मेन हाईलाइटेड प्रोडक्ट था, मैं इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा वो जरूर दबाए, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपको बताता रहूँ। MWC के बारे में मैं और भी वीडियोस निकालने वाला हूँ इन फ्यूचर, तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी वीडियो देखते रहें। तो जो प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो शाओमी ने अभी MWC में कुछ देर पहले ही लॉन्च किया है, वो किया है 5G फोन को। MI Mix 3 जो है वो 5G के साथ आने वाला है, तो उस डिवाइस का नाम ही उन्होंने चेंज कर दिया, MI Mix 3 5G करके वो मार्केट में आएगा। तो ये जो कोई प्रोटोटाइप नहीं है, कोई ऐसी वीडियो टीजर टाइप का नहीं किया जो बाकी कंपनियां कर रही हैं मतलब हाइप पाने के लिए, लेकिन ये जो Xiaomi ने ये भी कहा है कि जो MI Mix 3 5G आने वाला है वो कमर्शियल आने वाला है, और 1 से 2 महीने बाद ये मार्केट में आ जाएगा। इसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन खरीद सकते हैं, जो भी रिटेल शॉप है वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो ये जो है भाई कमर्शियल है और ऐसा कोई फेक वेक नहीं है। 5G आने वाला है MI Mix के साथ, ये दुनिया का पहला फ़ोन होने वाला है 5G के साथ। इसकी कीमत जो थी बहुत लोगों ने सोचा था कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हाई होगी, लेकिन Xiaomi जो है वो प्राइस के मामले में माना जाता है। तो इसकी जो प्राइस है वो यूरो में उन्होंने बताई है, अभी 599 यूरो में बताई है, और इंडिया में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 48,000 तक का मिल जाएगा। इससे कम ही होने वाला है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में Xiaomi जो है वो बजट फ्रेंडली के लिए जाना जाता है, तो इंडिया में इसकी कीमत बहुत कम होने वाली है। मेन हाईलाइट जो इस इवेंट में रहा है वो रहा है कि स्नैपड्रैगन के जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो भी इस इवेंट में आए थे। तो उन्होंने MI के साथ कोलैबोरेट करके ये जो नई टेक्नोलॉजी 5G निकाला है वो उनके साथ कोलैबोरेट करके निकाला है, और उन्होंने ये भी कहा है कि Xiaomi जो है बड़ी इनोवेटिव कंपनी है जो इस स्टेप को हमारे साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और उन्होंने 2-3 चीज़ें और बताई हैं जो नई टेक्नोलॉजी इस 5G के साथ आने वाली है। जो 5G जो है वो 855 के साथ सपोर्ट करने वाला है, उसके नीचे के अभी चिपसेट के साथ सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप बात कर लेते तो 845 में ही सपोर्ट नहीं करेगा। स्नैपड्रैगन 855 के साथ ही ये 5G आने वाला है, और इसमें कुछ एलाइट गेमिंग करके एक नई टेक्नोलॉजी है जो गेमिंग के लिए बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बढ़ाती है, कूलिंग वूलिंग के लिए काम आती है। तो एक और इसमें स्नैपड्रैगन 855 में जो उन्होंने टेक्नोलॉजी को बताया है वो एलाइट गेमिंग के बारे में बताया है, और उन्होंने जो इसकी डाउनलोडिंग स्पीड बताई है कि अगर आप 1080p की 15 मिनट की वीडियो अगर डाउनलोड करते हैं तो उसका डाउनलोडिंग टाइम 1 सेकंड होगा। आप 1 सेकंड के अंदर 15 मिनट की 1080p वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और अराउंड 26 से 27 MP3 फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। तो ये 5G की स्पीड का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने इस इवेंट के अंदर एक वीडियो कॉल भी करके दिखाया था 5G नेटवर्क के ऊपर, तो ये वर्ल्ड का पहला वीडियो कॉल था जो लोगों के सामने उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने अपने किसी कॉलिग को कॉल किया, और जो नेटवर्क था उसमें ऑरेंज करके एक ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड है, उसके नेटवर्क के थ्रू 5G कॉल किया था, और ये कॉल बड़ा सक्सेसफुल रहा, और जो वीडियो क्वालिटी थी वो 4G से कहीं ज़्यादा बेहतर थी, इसमें कोई पिक्सल विक्सल फटने के कोई भी चांसेस नहीं थे, वीडियो कॉल बहुत अच्छा था। अगर हम बात कर लेते हैं कंपनीज़ की कि कौन कौन सी कंपनीज 5G को अडेप्ट करने वाली है, ऑलमोस्ट सारी कंपनी करेगी, लेकिन इंडिया के अंदर अभी ऐसे कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। वोडाफोन जो है वो 5G के ऊपर लगा हुआ है कि वो 5G को अडेप्ट करेगा, बट आई डोंट नो वाई वो कब तक करेगा, क्योंकि वो इंडिया के अंदर 4G ढंग से लेकर नहीं आ पाया है। तो अब देखते हैं कि इंडिया में कब तक आने वाला है। जियो और एयरटेल बाकी के कंपनीज़ भी स्नैपड्रैगन के साथ ये कोलैब कर रही है ताकि वो 5G को लेकर आए और इंडिया में बहुत जल्दी रिलीज़ कर सके। सैमसंग का जो सैमसंग गैलेक्सी S10, S10e, S10 प्लस सीरीज़ है वो भी स्नैपड्रैगन 855 के साथ है, लेकिन वो 5G को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि सैमसंग ने 5G के लिए अलग से फ़ोन बनाया है जो अभी मार्केट में नहीं आया, वो भी 2 महीने बाद रिलीज़ होने वाला है MI Mix की तरह। तो शायद हो सकता है कि ये दोनों फ़ोन जो है वो एक साथ रिलीज़ हों। तो ये कुछ नई टेक्नोलॉजी थी जो Xiaomi लेकर आई है आज प्रोडक्ट लॉन्च में उनके, और प्रोडक्ट लॉन्च में उन्होंने और भी कई चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने एक स्मार्ट होम करके एक वहाँ पे प्रोटोटाइप दिखाया था, उसमें उन्होंने बताया था कि आप कैसे क्या कंट्रोल कर सकते हैं। सारे अगर Xiaomi के प्रोडक्ट हैं तो आप उसको एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे Xiaomi TV हुआ, प्यूरीफायर हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने एक साथ कंट्रोल करके दिखाई थी। ये सब जो कुछ टेक्नोलॉजी है उन्होंने MWC में रिलीज़ करी है, उसकी अगर आप पूरी जानकारी चाहते
चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप तक मैं बताता रहूंगा। क्योंकि MWC में इस साल बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें रिलीज होने वाली हैं, बहुत से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रिलीज होने वाले हैं, और मोबाइल कंपनी जो है बड़ी तेज़ चल रही है टेक्नोलॉजी के बारे में मामले में, और चाइनीज़ जो ब्रांड है वो सबसे ज़्यादा तेज़ है। तो ये थी शाओमी की तरफ से एम आई मिक्स की न्यूज़, एम आई मिक्स 5G की न्यूज़, और ये प्रोडक्ट आपको 1 से 2 महीने में मिलने लगेगा मार्केट के अंदर। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।